वसुंधरा देंगी इस्तीफा। इस्तीफा देने से वसुंधरा को रोकेंगे मोदी। मनाने के लिए अब क्या करेंगे मोदी? राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे तूफान लेकर आने वाली है, जिससे बीजेपी हवा हो जाएगी, बीजेपी दो फाड़ में हो जाएगी और टूट जाएगी। लेकिन इससे पहले क्या मोदी इस तूफान को रोककर बीजेपी को टूटने से बचा लेंगे? क्या वसुंधरा के गुस्से को रोक पाएंगे मोदी? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। गलती करने के बाद इंसान को एहसास होता है कि उसने क्या गलत कर दिया है, तो ऐसे में क्या आप पीएम मोदी को भी उनकी गलती का एहसास होगा, जिसके बाद वो वसुंधरा राजे को मनाने जाएंगे? ये सवाल है। इस्तीफा देने चली वसुंधरा को मनाएंगे मोदी? अब देखिए, वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा चेहरा है, लेकिन इस बात को जानते हुए भी बीजेपी ने राजे को साइड किया, ना तो उनको टिकट दिया और तो और उनके करीबी का टिकट तक काट दिया। मतलब मोदी ने वसुंधरा को राजस्थान में पूरी तरह से साइड कर दिया, जिससे राजे ऐसी नाराज हुई कि उन्होंने चुप्पी साध ली, कुछ बोलने तक से इनकार कर दिया। और इसी चुप्पी से ये अंदाजा लगाया गया कि अब राजे इस्तीफा दे सकती है। और सवाल है कि क्या अब राजे को मोदी मनाएंगे, अपनी गलती सुधार कर वसुंधरा को इस्तीफा देने से रोकेंगे? क्योंकि अगर मोदी ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें उनका ही नुकसान है। एक तो राजस्थान चुनाव इतना करीब है, दूसरा राजस्थान में वसुंधरा राजे से ही बीजेपी है, तीसरा अगर राजे इस्तीफा देकर जाती है तो बीजेपी दो फाड़ में हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को मनाना और रोकना मोदी की मजबूरी भी है। तो ऐसे में हो सकता है कि वसुंधरा राजे को मोदी मनाए, और अगर खुद मोदी सामने आएंगे तो बड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा। इस्तीफा देंगी वसुंधरा राजे? ऐसी बातें इसलिए चल रही है क्योंकि बीजेपी वसुंधरा राजे को इतनी बार साइड कर चुकी है, फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी राजे चुप है, एक शब्द नहीं कह रही है। और वसुंधरा की इस चुप्पी को तूफान आने के पहले वाली शांति कहा जा रहा है, यानी तूफान अब आने वाला है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि वसुंधरा राजे इस्तीफा दे सकती है और खुद की पार्टी भी बना सकती है, अपने समर्थकों के साथ अलग होकर बीजेपी को दो फाड़ में कर सकती है। हालांकि ऐसी खबरों की पुष्टि हम नहीं करते। वसुंधरा ने दिए ये संकेत, वही वसुंधरा राजे ने संकेत भी दिए है। राजे ने भले ही कुछ कहा नहीं है, लेकिन प्रोफाइल बदलकर उन्होंने बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले वसुंधरा राजे के ऑफिशियल अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर अलग थी, जिसपे भगवा रंग था, यानी बीजेपी का रंग। उन्होंने खुद भगवा रंग की साड़ी तक पहनी थी, लेकिन अब वसुंधरा ने अपनी प्रोफाइल और कवर फोटो को चेंज कर दिया है, जिसमें बीजेपी का रंग भगवा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और रंग है नीला, नीली साड़ी और नीला बैकग्राउंड। अब इसको कुछ लोग संकेत के तौर पर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब वसुंधरा बीजेपी से किनारा कर रही है, क्या ये नई पार्टी बनाने के संकेत है? राजे के समर्थक बीजेपी से है नाराज, वहीं इसके अलावा वसुंधरा राजे के समर्थक भी बीजेपी से नाराज है और विरोध में है। खबरें हैं कि वसुंधरा राजे के समर्थक, उनके लोग खुलकर बीजेपी के खिलाफ उतर आए हैं और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी खोल दिया है। इतना ही नहीं, राजे के समर्थक तो पीएम मोदी और अमित शाह के ऑर्डर्स को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा बातें ये भी चल रही है कि राज्य के समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा राजे को पीएम मोदी मनाने जाएंगे? और अगर जाएंगे तो क्या राजे मान जाएंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।